हाय एवरीवन, आज मैं आपको ग्लाइकोसिक्स यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ग्लाइकोसिक्स क्रीम क्या है, स्किन में किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ये स्किन में कैसे काम करती है, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि इस क्रीम को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, यानी कि इस क्रीम को आपको कब यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना है और इसके क्या रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ ही गाइज़ हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और इसके साइड इफ़ेक्ट से आप कैसे बच सकते हैं, और उन सारे सवालों का जवाब जो भी आप इस क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। गाइज़ हालांकि मैं ग्लाइकोसिक्स क्रीम का प्रोडक्ट रिव्यू पहले भी इस चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, उसके बाद आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए थे जिसमें आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे डाउट्स थे ग्लाइकोसिक्स क्रीम को लेकर। और कुछ नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रिसेंटली इस चैनल को ज्वाइन किया है, वो भी इस क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबको कॉमेंट्स के थ्रू रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इस पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर पाऊँ, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको मैं आंसर कर पाऊँ, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद मैं पहले वीडियो में आपको अच्छे से ना समझा पाई हूँ इस वीडियो में मैं सारा कुछ क्लियर कर दूँ ग्लाइकोसिक्स एसिड क्रीम के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप आधी अधूरी जानकारी के साथ कोई भी प्रोडक्ट को अपने फेस पे यूज़ कर लो उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट आपको भुगतने पड़े। क्योंकि देखिए, अगर एक बार आपका फेस ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको पहले जैसे कंडीशन में लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, एंड खासकर वो प्रोडक्ट जो मेडिकेटेड हो। ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बार डॉक्टर से उनकी रिकमेंडेशन जरूर करवानी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होते हैं जिनको कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो OTC प्रोडक्ट हैं उनको इस्तेमाल करने से पहले भी आपको उस प्रोडक्ट पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो अच्छे से पहले आप रिसर्च कीजिए तभी आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं ग्लाइकोसिक्स क्रीम से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर करूंगी, एंड आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि ये क्रीम आपको इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर नहीं करनी। तो गाइज, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्लाइकोसिक्स क्रीम क्या है। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम एक ओवर द काउंटर लाइट केमिकल स्किन एक्सफोलिएटर है जो कि स्किन से डेड और डैमेज आउटर लेयर को बहुत जेंटली रिमूव करता है और अंदर से न्यू, फ्रेश और यंगर लुकिंग स्किन को एक्सपोज करता है। गाइज, अगर मैं ग्लाइकोसिक्स क्रीम के इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो ग्लाइकोसिक्स क्रीम में 6% की कॉन्सेंट्रेशन में ग्लाइकोलिक एसिड एज अ मेन इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है, और जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो एक AHA है, यानी कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। आई नो कि एसिड जो शब्द है वो सुनने में काफ़ी हार्श है, एसिड सुनकर ऐसा लगता है कि हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा, स्किन को ख़राब कर सकता है, स्किन को जला सकता है, बट ट्रस्ट मी गाइज, जो एसिड्स होते हैं वो हमारे स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, ये हमारे स्किन को एक न्यू लाइफ देते हैं, स्पेशली वो एसिड्स जो कि नेचुरली ड्राइव्ड होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एजिलिक एसिड एट्सेट्रा। ये अलग अलग स्किन टाइप्स और अलग अलग स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, तो इसलिए सेफ़ होते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड भी एक नेचुरली ड्राइव्ड एसिड है जो कि नेचुरल रूप से शुगर केन यानी कि गन्ना और ग्रेप्स यानी कि अंगूर से निकाला जाता है। गाइस, ग्लाइकोलिक एसिड मार्केट में लोअर से लेके हायर परसेंटेज तक उपलब्ध है। अगर मैं बात करूँ इसकी लोअर परसेंटेज की तो उसमें आता है 6%, 12% और 10%, और अगर हम बात करें इसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन की तो उसमें आता है 20%, 30%, 40% और 70%। लेकिन अगर आप घर पर यूज़ करना चाहते हो तो आपको हमेशा 6% या लेस देन 6% का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ये एक लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो ये इतनी ज़्यादा आपकी स्किन को इरिटेट भी नहीं करेगी, और साथ में जो इसकी पीलिंग होती है वो बहुत ही माइल्ड होती है, तो ये आपकी स्किन को डेली बहुत जेंटली धीरे धीरे एक्सफोलिएट करती हैं। तो जैसे कई लोगों को लगता है ना कि ग्लाइकोसिक्स क्रीम को यूज़ करने के बाद उनकी स्किन उतर के हाथ पे आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ग्लाइकोसिक्स क्रीम जो है वो एक बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन, एक लाइट केमिकल एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, तो ये बहुत स्लो वर्क करता है, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आपने यूज़ किया तो आपकी स्किन उतर के हाथ में आ जाएगी, पील होने लगेगी। समटाइम ये पीलिंग विजिबल भी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो आपकी स्किन में काम नहीं कर रही है, वो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से काम करती है, उसका रिज़ल्ट आपको कुछ टाइम के बाद दिख जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो पीलिंग होती है ना वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे, आप जितनी हायर कॉन्सेंट्रेशन पे जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको पीलिंग होगी और उतनी ज़्यादा आपकी स्किन इरिटेट भी होगी। इसकी जो हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि घर पे
खुद से पील करना सेफ़ नहीं है, तो इसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके केमिकल पीलिंग करवा सकते हैं और आप एवरी 6 मंथ में इसको रिपीट कर सकते हैं। घर पे आप 6% या लेस देन 6% ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा स्लो वर्क करती है, ऑल्सो इसकी जो पीलिंग होती है वो भी थोड़ा माइल्ड होती है, बट इट्स वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छे से काम करती है स्किन पे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि स्किन में कौन कौन सी प्रॉब्लम के लिए आप ग्लाइकोसिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो ग्लाइकोसिक्स आपके लिए एक एक्सीलेंट ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर आपके ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, आपको ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आप ग्लाइकोसिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन में अगर आपके डिस्कलरेशन है जैसे कि एज स्पॉट, सन टैनिंग, तो उनको रिड्यूस करने के लिए भी एक बहुत अच्छी क्रीम है। पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी है। डैमेज स्किन को रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा इस क्रीम की एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हैं। ये चेहरे से आपकी जो झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, उनको भी कम करती है। गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड स्किन में काम कैसे करती है। गाइस हमारे स्किन सेल्स एक बाउंड बनाकर एक दूसरे से चिपके रहते हैं और जब उसी में से कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं तो हमारे स्किन नेचुरली जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है। इसे स्किन सेल्स टर्नओवर भी कहा जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि नई स्किन का बनना और पुराने स्किन का उतरना। लेकिन ओवर द टाइम बढ़ती एज की वजह से और अनप्रोटेक्ट सन एक्सपोजर के कारण जो स्किन सेल्स टर्नओवर रेट होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसके कारण स्किन का डल होना, ड्राई होना, लार्ज ओपन पोर्स का होना, बम्स, रिंकल्स, लूज स्किन, अनइवन स्किन टोन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो गाइज उस केस में स्किन से डेड और डैमेज सेल्स को रिमूव करने के लिए और स्किन सेल्स टर्नओवर रेट को फास्ट करने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड एक केमिकल एक्सफोलिएशन का काम करती है। क्योंकि गाइज जब ये एसिड स्किन में पेनिट्रेट होता है तो सबसे पहले ये न्यू स्किन सेल्स और ओल्ड स्किन सेल्स का जो बाउंड होता है उसको डिसॉल्व करता है, यानी कि उसको तोड़ देता है, जिस वजह से जो डेड स्किन सेल्स होती है वो उतरने लगती है और जो न्यू स्किन होती है वो एक्सपोज होने लगती है। तो इससे हमारे स्किन की आउटर लेयर में जो भी डिस्कलेशन होती है, पिगमेंटेशन होती है, टैनिंग होती है, डैमेज हो गई है, जो स्किन ख़राब हो गई है, ये उस स्किन को बहुत जेंटली एक्सफोलिएट कर देता है। तो ये एसिड पोर्स को भी डीपली क्लीन करता है, जिस वजह से पोर्स को क्लॉग करने वाले ऑयल और सीबम ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसलिए ये एसिड एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि ये नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेट करे। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करने का सोचें तो पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसकी रिकमेंडेशन करवा लें, क्योंकि आपके लिए इसकी सही कॉन्सेंट्रेशन या सही परसेंटेज कौन सी रहेगी ये आपके स्किन टाइप्स, आपकी एज और आपके स्किन कंसर्न को देखकर डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। गाइस सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम को इस्तेमाल करने की सोचें तो हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से ही स्टार्ट करें, जो कि 6% या लेस देन 6% होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये क्रीम सिर्फ बेड टाइम पे, यानी कि नाइट में यूज़ करनी है बिफोर गोइंग टू बेड। उसके लिए सबसे पहले आपने फेस को किसी अच्छे माइल्ड फेस वॉश से फेस वॉश कर लें। फेस को वॉश करने के बाद पैड ड्राई करें। पैड ड्राई करने के बाद भी कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं। मेक श्योर कि आपका जो फेस है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, यानी कि आपके फेस में कोई मॉइस्चर ना हो, क्योंकि अगर आप इसको वेट फेस में अप्लाई करेंगे तो ये आपके फेस को ज़्यादा इरिटेट कर सकती है। तो अच्छे से सूखने के बाद ही आपको एक मटर के दाने के बराबर अमाउंट लेना है। उसके बाद उसे आपको ऑल ओवर फेस में डॉट्स में अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में हल्के से मसाज करते हुए ऑल ओवर फेस में अप्लाई कर लेना है। ध्यान रहे कि क्रीम आपको आई एरिया में अप्लाई नहीं करनी है, और हो सकता है कि इसको अप्लाई करने के तुरंत बाद आपके फेस में कुछ चुभन सी या जलन सी आपको महसूस हो कुछ सेकंड के लिए। अगर आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत अपने फेस को वॉश कर लें। अगर आप पहली बार ग्लाइकोलिक एसिड को अपने फेस पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्रीम आपको पहले सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करनी है। 15 मिनट के बाद आपको ये वॉश कर लेनी है। एंड गाइस जब इस क्रीम को आप पूरी रात के लिए अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो ये आपको फर्स्ट मंथ में वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ही अप्लाई करनी है। आफ्टर दैट जब आपकी स्किन इसकी यूज टू हो जाएगी देन आप इसको एक दिन छोड़ करके यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको हाफ मटर के दाने के बराबर मॉइस्चराइजर लेना है और हाफ मटर के दाने के बराबर ग्लाइकोसिक्स क्रीम लेनी है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके भी आप इसको अपने ऑल ओवर फेस में अप्लाई कर सकते हो। इससे जो आपकी स्किन है वो ड्राई भी नहीं होगी और साथ ही इरिटेट भी नहीं होगी।
ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ आपको अदर जो एक्सफोलिएटिंग एजेंट होते हैं जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या रेटिनो ए, तो इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके साथ ही आपको अपने स्किन को फिजिकली एक्सफोलिएट भी नहीं करना है जैसे कि स्क्रब वगैरह, तो स्क्रब वगैरह भी आपको टोटली अवॉइड करना है। ग्लाइकोलिक एसिड के इस्तेमाल से हमारी स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है जिस वजह से वो धूप में ईजिली जल सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें या फिर घर में भी रहें तो आपको एक अच्छा सन प्रोटेक्शन जरूर यूज़ करना है। एटलीस्ट आपको SPF 30 प्लस सनस्क्रीन इस्तेमाल करना ही है और एवरी 2 आवर्स में इसको रिपीट भी करना है। पीलिंग, बर्निंग, ब्राउन स्पॉट्स, ये ग्लाइकोलिक एसिड के कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कि कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, बट अगर आपको ये साइड इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक रहते हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है।